देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तमाम कांग्रेस और आरजेडी की जो महिलाएं हैं, जो महिला विधायक हैं, वो सदन के बाहर आज एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो महिला विधायिका हैं वो अपनी बातों को रख रही हैं और प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ है आज? आज महिला दिवस है और हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि जिस तरह पंचायती राज में आरक्षण मिला है महिला को, उसी तरह हम लोग को विधानसभा में भी आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कुछ है आज? आज महिला दिवस है, आज क्या है? महिला दिवस है और आप लोग एकजुट हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और वुमेन्स डे के दिन भविष्य की सभी महिलाओं को बधाई। लेकिन एक सरकार से हमारी जरूर मांग रहती है कि जिस तरह से जब तक से सत्ता का खनक और समाज की विकृत मानसिकता नहीं सुधरेगी, तब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी। और सदन में भी हम मांग करते हैं कि महिलाओं को आधी आबादी को आरक्षण सरकार दे, जिस तरह से पंचायती राज विभाग ने दिया। मुख्यमंत्री के साइलेंट वोटर हैं महिलाएं, पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो सदन है जहां महिलाओं को मारपीट की गई थी, महिला विधायकों के साथ मारपीट की गई थी। और महिलाओं के साइलेंट वोटर नहीं है, ये वो सदन है जहां शराबबंदी के नाम पर महिलाओं के घर में घुसा जा रहा है। ये वो सदन है जहां 2 साल की बच्ची के साथ रेप की घटनाएं आ रही हैं, आए दिन समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रही हैं। तो सरकार कहां है? लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, और सरकार की कथनी और करनी में बहुत मेजर डिफरेंस। आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि समाचार पत्रों की सुर्खियां ना बने और महिलाएं सुरक्षित हों। इसके लिए सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार अपने शासन और प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखे, और हम मांग करना चाहते हैं कि समाचार पत्रों में कब ऐसा दिन होगा जब हम समाचार पत्र खोलेंगे वहाँ बलात्कार की घटनाएं के नहीं पड़ेंगे। तो आरजेडी की महिला विधायक हो या कांग्रेस की महिला विधायक, देखिए किस तरीके से क्या कुछ है आज। आज महिला दिवस है, आज महिला के गठन है, बहुत मजबूती से है। आज हम मांग कर रहे हैं रक्षण मिला राष्ट्रीय जनता दल से। आज पहला बार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बिहार संभारे, बच्चा भी संभारे, सब देख रहे हैं बिहार के। बोल लोग थे कि पढ़ी लिखी नहीं है, पहला मुख्यमंत्री बना के दिखाए हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी अपना वाइफ के। वाइफ नहीं रहेगी, घर में पत्नी नहीं रहेगी, महिला नहीं रहेगी तो एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा, घर नहीं संभलेगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि उनकी महिला जो है साइलेंट वोटर है। उल्टा है तो उनका देख लीजिए, नहीं जानते हैं महिला के बारे में, तो महिला के क्या सुरक्षा दीजिएगा, क्या गठन करिए? नहीं है, नहीं है। कहाँ है बिहार में? कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ सुरक्षा है? आप नहीं कुछ भी करते हैं मोबाइल। क्या कुछ है आज महिला दिवस पर, क्या कहेंगे? आज महिला दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सभी महिला को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग के मांग है कि विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिले, जिस तरह से सरकार पंचायती राज में आरक्षण दिया है, उस तरह से महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दे और मान सम्मान मिले महिला को, यही मांग है। बिल्कुल। तो ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर, देखिए आरजेडी के जो विधायक हैं वो तमाम विधायकों को जो है वो विधायकों को जिस तरीके से आरजेडी के विधायक जो है वो गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर बिहार विधानसभा में जहाँ तमाम महिलाएं एक तरफ जहाँ प्रदर्शन कर रही है, वहीं जो आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन है वो तमाम महिलाओं को बूके देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीर, बिहार विधानसभा में आज महिला दिवस है और महिला दिवस के अवसर पर तमाम जो महिला है उनको आरजेडी के विधायकों के द्वारा जो है वो बूके दिया गया है। ये तस्वीर जो आपने देखी किस तरीके से यहाँ पर तमाम महिला विधायकों को आज बूके दिया गया और तमाम महिला विधायक एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही थी। एक्सप्लेनेशन के साथ नमस्कार।